गाइज आला वैकुंठ पुरमलो का रीमेक शहजादा का ट्रेलर आ चुका है। और गाइज रिव्यू करने से पहले मैंने ट्रेंडिंग सेक्शन खोला था यूट्यूब का, तो गाइज मैंने देखा 30 मिलियन व्यूज आ चुके हैं शहजादा के ट्रेलर में एक दिन में। पठान नंबर 2 पर ट्रेंडिंग कर रहा है, उसमें 41 मिलियन व्यूज है 3 दिन में। तो गाइज बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ये देख के आप खुद ही कह सकते हैं कि कार्तिक आर्यन की फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है और बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो गाइज जब बात करते हैं ट्रेलर के रिव्यू की, गाइज जब टीजर रिलीज हुआ था तो कार्तिक आर्यन एकदम कॉपी करते हुए दिख रहे थे अल्लू अर्जुन को, लेकिन गाइस ट्रेलर में ऐसा लग रहा है कार्तिक आर्यन ने अपना एफर्ट डाला है इसमें। ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशन चेंज की गई है, एकदम पूरी स्टोरी को कॉपी नहीं किया गया है। कास्टिंग का मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस लगा, ओरिजिनल मूवी में अल्लू अर्जुन के पिता के रोल में जो थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे कार्तिक आर्यन के पिता का रोल दिया गया है रोनित रॉय को, तो गाइस वो मुझे सूट नहीं कर रहा है। परेश रावल को भी रोल दिया गया है, तो वो भी मुझे दोनों रोल मुझे बहुत खराब लगे, बिल्कुल भी अपने रोल पे फिट नहीं बैठ रहे हैं। और गाइस जो पुलिस का रोल दिया गया है वो राजपाल यादव को दिया गया है, ओरिजिनल मूवी में भी वो कॉमेडी कर रहे थे, जो पुलिस बने थे राजपाल यादव है तो वो कॉमेडी ही करेंगे। और गाइस जो सनी हिंदुजा है वो रोनित राय को छाते से सीने में गोद रहे हैं, ओरिजिनल मूवी में वो चीज एक बूढ़े आदमी ने किया था। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी को चेंज करके बूढ़े आदमी के लड़का जो जिसका नाम ओरिजिनल मूवी में जोरावर था, इस मूवी में कृति सेन बहुत ज्यादा ग्लैमरस लग रही हैं। और गाइस ऑडियंस को भी कार्तिक आर्यन और कृति सेन की जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि लुका छिपी को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, वही जोड़ी एक बार फिर देखने को मिलेगी हम लोग। तो गाइस ये एक प्लस पॉइंट है शहजादा मूवी के लिए। एक दो एक्शन सीन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जब कार्तिक आर्यन एक्शन करते करते एक आदमी के ऊपर चढ़ के सिगरेट पीते हैं, और गाइस जिस तरह से कार्तिक आर्यन परेश रावल को हड़का रहे थे तो वो चीज भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और गाइस कार्तिक आर्यन बहुत बड़ा रिस्क भी ले रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चरें जब इस साल पिटी थी 2022 में, और जब कार्तिक आर्यन का इतना अच्छा करियर जा रहा है तो उन्होंने एक रीमेक मूवी आ रही है उनकी, और उस मूवी की रीमेक आ रही जिसकी ओरिजिनल मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और उसके गाने बहुत ज़्यादा गजब के थे। और गाइस इसमें आपको प्रीतम और सोनू निगम की आवाज़ सुनने को मिलेगी शहजादा मूवी में। तो गाइस ये मूवी आएगी 10 फरवरी को थिएटर्स में। तो गाइस आप ये बताइए कि आप इसको थिएटर्स में देखेंगे या फिर OTT में आने का वेट करेंगे, क्योंकि जब आपने एक ओरिजिनल मूवी देख ली तो आप थिएटर में जाना सही समझेंगे या फिर घर में बैठकर OTT पर ही मजा लेंगे इस मूवी का। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।